जादुई डोली। बहुत समय पहले की बात है, उन दिनों दुल्हन की विदाई के लिए डोली हुआ करती थी। उसी में बैठकर नई नवेली दुल्हने शादी के बाद अपने मायके से ससुराल जाती थी। मधु मात्र 4 साल की थी जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मधु 16 साल की थी जब उसका विवाह पास के ही गांव के जमींदार के पुत्र अमर से तय हो गया था। वो बहुत खुश थी। नए नए आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सजी वो डोली में बैठकर अपनी ससुराल जाएगी। उसके पिता भी जमींदार थे। उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि मधु को दहेज में वो डोली ही देंगे। जब गांव में वो किसी की भी डोली देखती तो उसमें बैठने का उसे बड़ा मन करता। शादी का दिन आ पहुंचा, लेकिन डोली लाने वाले का कहीं अता पता ही नहीं था। जमींदार साहब जब इंतजार करते करते परेशान हो गए तो किसी को बाजार भेजा कि जाकर दूसरे डोली खरीद कर लाए। डोली आ गई। बहुत खूबसूरत डोली थी। सुनहरे पर्दों से सजी डोली दरवाजे पर लग गई। मधु की सहेलियां बार बार मधु को आकर बता रही थी कि ऐसी डोली तो आज तक किसी ने नहीं देखी। शादी के बाद विदा के समय मधु सबसे गले लगकर फूट फूट कर रोई। आखिर मायका छूट रहा था। उसके बाबा ने ले जाकर डोली में बिठा दिया। डोली लेकर 4 कहार चल पड़े। डोली में कुछ खाने पीने का सामान भी माँ ने रख दिया था। मधु से कुछ भी खाया ना गया। गांव की सीमा पार करने के बाद एक नदी थी जहां डोली नाव पर रखी जाती थी। नाव उस पार पहुंच गई। कहारों ने डोली उतार ली। मधु का जी घबरा रहा था। अचानक उसे लगा कि डोली हवा में उड़ने लगी और कहार डोली के पीछे पीछे भाग रहे थे। मधु को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उसको आनंद आने लगा और वो खूब जोर जोर से हंसने लगी। तभी डोली से आवाज आई, मधु ये डोली जादुई है। ये डोली तुम्हारी मदद करेगी। तुम जहाँ कहोगी ये डोली वहीं जाएगी। फिर मधु बोली, मुझे अपने ससुराल ही जाना है, वरना मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। उसके इतना कहते ही डोली तुरंत उसकी ससुराल पहुंच गई। डोली जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंची, चारों कहार वहां पहले से ही मौजूद थे। उसके स्वागत के लिए सभी लोग खड़े थे। डोली देखकर सभी लोग खुश हो गए। डोली थी ही इतनी शानदार। मधु सारी रस्में पूरी होने के बाद जब अपने कमरे में आई तो वो बहुत थक गई थी। वो अपने कमरे में लगे बिस्तर पर लेट गई और उसको नींद आ गई। अचानक खटाक से दरवाजा खुलने पर उसकी नींद खुली। उसने देखा कि एक छोटी सी डोली उसके कमरे में अपने आप चलकर आ रही है। वो बोली, क्या तुम भी यही रहोगी? फिर डोली ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे दूसरा कोई देख नहीं पाएगा। तुम सो जाओ। आधी रात के समय जोर जोर से चीख पुकार और गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा कि हवेली में डाकू आ गए हैं। मधु हड़बड़ा कर उठ गई। डोली ने कहा, मधु चिंता मत करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। डाकू बाहर ही है और मैं जाकर उनको ठिकाने लगाती हूँ। डाकुओं की सरदार बाहर खड़ा गोलियां दागे जा रहा था। तभी डोली उड़ कर गई और उसके ऊपर गिर गई। वो अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार ना था। वो चिल्लाया, तोड़ डालो इस डोली को। सब लोग धनाधन डोली पर डंडे बरसाने लगे। डोली अठहास करती जा रही थी। वो बोली, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपना भला चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना एक भी आदमी जिंदा नहीं बचोगे। हवेली के लोग डरे सहमे छत पर भागे। फिर खड़े डोली
और डाकुओं की लड़ाई का तमाशा देखने लगे। डोली उड़कर दूसरे और फिर तीसरे डाकू पर वार करने लगी। डोली के ऊपर तो किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा था। सारे डाकू बेदम हो गए। काफी देर हो गई, तब मधु छत पर से ही बोली, अब इन्हें छोड़ दो, इनको अपने किए की सजा मिल गई है। फिर डोली ने कहा, अब इन्हें जरा नदी तक खदेड़ दूं, उसके बाद ही चैन मिलेगा। डोली में से एक मोटी रस्सी निकली और सभी डाकुओं के पैर उसमें बंध गए। डोली आगे आगे चली, डाकू पीछे पीछे घसीटते रहे। नदी किनारे तक ले जाकर उनके पैर से रस्सी खुल गई। उन डाकुओं में जितनी भी ताकत बची थी उससे वे जोर लगाकर नदी की तरफ भागे और चिल्लाते जा रहे थे, आज के बाद हम कभी डाका नहीं डालेंगे, अब हम सब अपना अपना काम धंधा करेंगे, हमें माफ कर दो। डोली बोलती जा रही थी, तुम लोग निर्दोष लोगों को मारकर धन कमाते हो, आज के बाद कभी ऐसा मत करना, वरना मैं तुम लोगों का इससे भी बुरा हाल करूंगी। डाकू अपनी जान बचाकर चले गए। डोली जब हवेली के पास आ गई, घर के सभी लोग फूल माला लेकर डोली के स्वागत में खड़े हो गए। जमींदार ने कहा, डोली आज तुमने हम सब की रक्षा की है, आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो। हमारी बहू मधु बहुत भाग्यशाली है जिसको तुम्हारा साथ है और आशीर्वाद है। हमारी बहू मधु बहुत भाग्यशाली है जिसको तुम्हारा साथ और आशीर्वाद मिला है। डोली बहुत खुश हुई। धीरे से उसने अपना आकार छोटा किया और जाकर मधु की तकिए के पास बैठ गई। मधु ने प्यार से डोली को सहलाया और बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन हो और क्यों मेरी सहायता कर रही हो? मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? फिर डोली कहता है, नहीं कभी नहीं जाऊंगी मधु, तुमको 4 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी ना। जिस पेड़ को काटकर मुझे बनाया गया था, उसी पेड़ के नीचे मरने के बाद मेरी अंतिम क्रिया की गई थी। तुम बहुत छोटी थी ना, इसीलिए मैं कभी जा ही नहीं सकी। मैं उसी पेड़ में रहती थी, मैं हमेशा सबकी सहायता करती थी। एक दिन एक लकड़हारे ने पेड़ को काट दिया, उसी लकड़ी से ये डोली बनाई, तब मैं इस डोली में आ गई। चलो अब सो जाओ, अभी तुम्हें उठकर पूजा के लिए तैयार होना होगा। मधु की आंखें डबडबा आई, फिर उसके होठों पर मंद मंद मुस्कुरान बिखर गई। माँ कहकर उसने डोली को अपनी बाहों में समेट लिया। अब उसकी समझ में आ गया था कि वो जादुई डोली और कोई नहीं, उसकी माँ ही है। कंचन अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। कई मन्नतों के बाद जाके उसका जन्म होता है। मन्नतों के बाद पैदा हुई कंचन का रंग सांवला होता है, जिस वजह से घर में उसको दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी कोई पसंद नहीं करते थे। दादी बार बार कहती, एक तो लड़की पैदा हुई और ऊपर से काली। ये सब सुनकर कंचन की मम्मी बहुत दुखी होती है। कंचन भी बहुत दुखी रहती है, क्योंकि स्कूल में भी सब उसको काली कलोटी बैंगन लूटी, काली कलोटी बैंगन लूटी ये कह कह कर चिढ़ाते हैं। कंचन की एक सहेली होती है रीना, जो उसकी सुख दुख को बहुत अच्छे से समझती। वो उसे समझाती है कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। रीना मैं क्या करूं? काला होने में तो मेरा कोई दोष नहीं है, सारे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और घर में भी सब मुझे काली काली कहकर दोष देते हैं। कंचन तुम किसी की बात पर ध्यान मत दिया करो,
कंचन पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके काले रंग के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। इस कारण कंचन हमेशा दुखी रहती है। शहर से कुछ दूरी पर पुराने जमाने के कई महल होते हैं। इतिहास और कला के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल की ट्रिप बच्चों को महल दिखाने के लिए लेकर जाती है। कोई भी बच्चा कंचन के साथ नहीं घूमना चाहता था और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। बस रीना ही उसके साथ घूमती है। अचानक रीना को कुछ दिखाई पड़ती है। अरे कंचन, देखो वो क्या चमक रहा है। अरे हाँ, चल पास चलकर देखते हैं वो क्या है। दोनों उसके पास जाकर देखती हैं। वो आईना का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है। दोनों उसे उठाकर दीवार के सहारे टिका देती हैं। और जैसे ही वो उस आईने के पास जाती हैं, तो आईने के अंदर ही चली जाती हैं और देखती हैं आईने के अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन दोनों बहुत डर जाती हैं। आखिर हम ये कहाँ आ गए। अचानक उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो। मैं इस आईने की रानी हूँ। मतलब ये कि ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है, ये जादुई आईना है और ये मेरा घर है। और वो सुंदर लड़की बताता है कि वो आईना बहुत पुराना है और जादुई है और वो उस आईने की मालकिन है। कुछ देर बातें करने पर तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और तीनों अपनी अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताती हैं। तो वो सुंदर लड़की कंचन से कहती है, मैं तुम्हें इस आईने से बाहर निकाल दूंगी, फिर तुम आईने को लेकर अपने घर चले जाना और रोज इसी में देखकर श्रृंगार करना। ऐसा करने से तुम दिन प्रतिदिन सुंदर होती जाओगी और तुम्हारा रंग भी काला नहीं रहेगा। इतना सुनते ही कंचन खुशी से झूम उठती है। थोड़ी देर बाद दोनों आईने से बाहर आ जाती हैं और कंचन उस आईने को अपने घर ले जाती है। रोज उस आईने का उपयोग करते करते कंचन का रंग गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। कंचन को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी काली लड़की इतनी गोरी कैसी हो गई। अब सब कंचन से दोस्ती करना चाहते हैं और उसे कोई ताना भी नहीं मारता। घर में भी सब लोग उसे प्यार करने लगते हैं। कंचन की सुंदरता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगती है और कंचन प्रसिद्ध होने लगती है। और अचानक इतनी प्रसिद्धि और इतना सुंदरता आने के बाद कंचन के मन में बहुत घमंड आ जाता है और वो एक बात भूल जाती है कि आईने की मालकिन ने कहा था कि इस आईने को जरा सी भी टूटने ना देना। लेकिन कंचन अपनी सुंदरता में इतनी खो जाती है कि उसे आईने की टूटने की बात याद ही नहीं रहती। रीना भी उसे कई बार समझाती है, इतना घमंड ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। कहते हैं ना कि घमंड एक दिन टूट जाता है। इसी तरह एक दिन कंचन के हाथ से उसकी आईना टूट जाता है और कंचन बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। आईने को लेकर वापस महल में जाती है और आईने की मालकिन को माफी मांगती है और कहती है, मेरी सुंदरता मत छीनो, नहीं तो मेरा जीवन पहले की तरह नर्क हो जाएगा। मैं आगे से बिल्कुल घमंड नहीं करूंगी। लेकिन आईने के मालकिन आईना टूट जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाती और कहती है कि अब तुम्हें इस काले रंग के साथ ही पूरा जीवन जीना पड़ेगा। कहते हैं, कभी भी किसी बात की घमंड नहीं करना चाहिए।